हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होगे। और आप सबका न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। सो आज आप लोग यहाँ का नज़रिया देख लीजिएगा। आज का मौसम मेरे यहाँ कुछ ऐसा है, तो आज का मौसम बहुत ही प्यारा है। मतलब ठंडा गर्म दोनों ही है, धूप भी है, छाँव भी है, सारी चीज़ें हैं। तो इस टाइप का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बरसात का मौसम वो बरसात में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैं नहाने धोने के बाद कपड़े फिलाने आ गई। और अभी बज रहा है मॉर्निंग के 11। सुबह के कुछ काम थे वो मैं कर चुकी, और 11 बजे से फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। आज मैं लेट नहाई हूँ, खाना बनाने के बाद नहाई हूँ। वैसे खाना मेरे यहाँ बेगन है खाता नहीं कोई, ना ही मैं बनाती हूँ। आज मैं थोड़ी जल्दी में थी इसलिए मैंने जल्दी मतलब बना दिया बगैर नहाई। कोई बात ना, लेकिन कभी कभी चलता है, डेली नहीं। तो यहाँ मैं कपड़े फैला दे रही हूँ, और कुछ कपड़े बाथरूम में ही पड़े हुए हैं। लाइट ही चली गई थी, लेकिन अभी लाइट आ गई। जो कपड़े बाथरूम में पड़े हैं वो कपड़े मैं अभी धोऊंगी, उससे पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, सुबह से काम में लगी हूँ। और काम करूँगी तो एनर्जी कहाँ से आएगी, इसलिए मैं कुछ खा पी लेती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा हट के खाऊँ, तो दही लेकर आई हूँ, गाढ़ा गाढ़ा दही। तो दही मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें ना ही तो चीनी डली है, ना ही नमक डला है, बस सादा दही है, जैसे जमाते हैं वही दही उठा के मैं लाई। मज़ा आ गया, सच में बहुत ही मज़ा आया खाने में। मुझे बहुत टेस्टी लगता है इस टाइप का दही। चीनी डाल के मुझे खैर अच्छा ही नहीं लगता है। बहुत सारे लोग लस्सी बना के पी, हाँ लस्सी अच्छी लगती है, लेकिन गाढ़े दही में चीनी डालो तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे। और यहाँ मैंने दाल भिगो के रखी थी, मतलब कल दाल भिगोई थी, तो मैं कल मंगौड़े बनाने वाली थी, लेकिन सासू माँ कहीं चली गई तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए। सासू माँ थी नहीं खाने के लिए, और मैं अकेली थोड़ी इतने सारे मंगौड़े खा ली थी, मतलब कोई भी घर में नहीं था, हस्बैंड और मैं ही थे। तो फिर मैंने दाल को धो धा के फ्रिज में रख दिया, कपड़े में लपेट के। और मतलब आज मैं बनाऊंगी अब मंगोड़े, कल की ये दाल रखी थी। और फिर मैं आगे ऊपर कपड़े उठाने के लिए, तो नीचे जाके मुझे बेड शीट लगानी है। चादर बहुत ही नीचे वाली बेकार हो गई है, तो मेरे रूम की चादर बहुत ही बेकार हो गई, तो सोचा जाके मैं उसको बदल देती हूँ। तो चादर मैंने चेंज कर दी है, इस वाली चादर को मैं धोने के लिए रख आती हूँ। वॉश करूँगी अपने सारे कपड़े, तो उसी के साथ मैं इसको भी वॉश कर लूँगी। खैर अभी वॉशिंग मशीन तो चल ही नहीं रहा है मेरा, वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो मुझे हाथ से ही कपड़े धोने पड़ रहे हैं। और ये साड़ियाँ कुछ पड़ी हुई हैं, मैंने पहन ली एक एक बार, लेकिन अभी इनको नहीं वॉश करूँगी। तो मैंने सोचा इन मतलब ये पेटीकोट थे, पेटीकोट तो मैंने धो के ही रख दिए थे, लेकिन साड़ियाँ धो के नहीं रखी। तो पेटीकोट धोने के बाद मैंने ऐसे ही यही और कपड़ों में घुसेड़ के रख दिए, तो सिकुड़न आ गई है। और लेकिन मैं प्रेस कर देती, लेकिन प्रेस भी ख़राब हो गई उस दिन, फोल्डिंग हो गया, फोल्ड हो गया प्रेस। मैंने ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा दिखाया भी क्लिप था, तो प्रेस ख़राब हो गया है। और मुझे आज वॉइस ओवर पता है सबसे ऊपर वाली छत पे आके करना पड़ रही, नीचे सभी लोग हैं, और मतलब हस्बैंड उनके दोस्त वगैरह भी आ गए। तो मुझे ब्लॉग पता है 12 बजे पब्लिक करना है, तो मुझे जल्दी जल्दी ये वीडियो मतलब एडिटिंग करके डालनी है। तो यहाँ ये न्यू साड़ियाँ हैं, तो शायद ही ये ग्रे वाली साड़ी आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी होगी पहने। मैं सोच रही थी कि आप लोग को दिखाऊं ये वाली ग्रे साड़ी, मैंने फर्स्ट टाइम पहन लिया है इसको, अब पहनूंगी कभी तो सेकंड टाइम पहनूंगी। मैं सोचा आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग को शेयर करूंगी, लेकिन नहीं दिखा पाई, इतना टाइम ही नहीं मिला। और ये वाला साड़ी है पर्पल वाला, ये तो मैंने बहुत बार पहन लिया है, ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन ग्रे कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में ग्रे कलर की साड़ी बहुत अच्छी। आज मैं छत पर क्या आके बैठ गई हूँ, सारा हॉर्न वगैरह मतलब मेरे घर की जस्ट पीछे से ही बस गुजरती है, तो वहीं से निकलती, तो पूरा मतलब हॉर्न बजते हर चीज़ के, बाइक के, बस का बहुत ज़्यादा हॉर्न होता है, इसलिए सुनाई दे रहा है, बाइक का इतना नहीं। अभी पुलिस की गाड़ी निकल के गई थी, उसका भी हॉर्न बज रहा था, लेकिन फिर से मैंने मतलब काट दिया, फिर से मैंने वहाँ से वॉइस ओवर किया। मैंने कहा इतना शोर हो जाएगा कि आप लोग वीडियो भी देखना पसंद नहीं करोगे।
तो यहाँ देख सकते हो मतलब सारे कपड़े मैंने फोल्डिंग कर दिए। तो और फोल्डिंग आप लोग जानते हो मुझे अच्छे से करना नहीं आती, जैसे आई है मैंने रख दिए। कुछ साड़ियाँ न्यू है इसमें, लेकिन मैं प्रेस नहीं कर सकती अभी। और जो दुपट्टा वगैरह है, सूट रखा था, तो पता है ना सारे कपड़े इकट्ठे रख देते और लेना होता है तो उथल पुथल हो जाते कपड़े, और फिर उनकी फोल्डिंग ख़राब हो जाती है, फिर कपड़े सिकुड़ जाते हैं। इसी टाइप का मेरे कपड़ों के साथ हुआ है। तो प्रेस अभी है नहीं बना, तो प्रेस लगा दी थी इन पर, प्रेस ख़राब पड़ी है। जब सही करवाऊँगी फिर इनको धो के मतलब फिर से रखूँगी। अभी तो मैं खैर तो मैं कपड़े वगैरह लगा रही थी, फिर आ गया तो डुग्गू। तो डुग्गू के मैं ड्रेस वगैरह उतारने लगी, तो मैं उसको कपड़े मतलब कपड़े पहनाती हूँ दूसरे, उसकी ड्रेस चेंज कर रही। तो अभी स्कूल से आया, जब स्कूल से बच्चे आते हैं तो मम्मी के लिए बड़े परेशान हो जाते हैं, रो रो के आते हैं, मम्मी मुझे आपकी याद आ रही। डुग्गू अभी भी कहता है मम्मी मुझे आपकी याद आ रही। तो यहाँ देखो मैंने डुग्गू को उल्टी अंडरवियर पहना दी थी, तो हंस हंस के मैं खुद पागल हो रही और हस्बैंड को भी पागल कर दिया हंसा हंसा के। और डुग्गू बहुत ही गुस्सा कर रहा था कि मम्मी आपको होश नहीं रहता है, अंडरवियर उल्टी पहना दी। तो मुझे खुद बड़ी प्यार कर दे ये जूते हैं, तो मैं जूतों को ना स्टैंड में रख आती हूँ। तो डुगू के मैंने कपड़े चेंज करा दिए, जूते भी स्टैंड में लगा दिए हैं और बैग वगैरह भी रख दिया है। तो डुगू अभी मतलब मना कर रहा है खाने की, मैंने उससे कहा खाना खा रहे बेटा, मना कर दिया। उसने बोल रहा था कि मम्मी मैंने छुट्टी वाले पीरियड में ना लंच किया था, मैंने मतलब जब लंच हुआ था, जब उसने किया नहीं हुआ छुट्टी वाले पीरियड में, छुप छुप के कर लिया होगा, ज़रूर ऐसा ही होगा। मैं भी ऐसा ही करती थी जब मुझे भूख लगती थी ना स्कूल में, तो पहले पीरियड में मैं ख़त्म कर देती लंच को, छुप छुप के निकाल निकाल के खा लेती, टीचर पढ़ाते ना निकाल निकाल के खा लेती थी, और बचता ज़्यादा तो छुट्टी में खा लेती, कभी भी खा लेती थी मैं, ऐसा ही मेरा भी बेटा करता है। तो चलो मैंने बैग वगैरह रख दिया, कपड़े अपड़े लगा के, और इस काम से हुई फ्री। और चलो बाहर वाले रूम में चलती हूँ, और बाहर वाले रूम का भी थोड़ा हाल चाल देख लेती हूँ। यहाँ का क्या है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बाहर से ही रूम पड़ता है ना, बाहर का ही रूम, तो यहाँ गंदगी नहीं पड़ी हो, झाड़ू पोंछा सारी चीज़ें लगा के रखनी पड़ती है टाइम टू टाइम। तो यहाँ सोफे के कवर बिखरे हुए पड़े थे, और ये चादर बिछी है, उस चादर की बहुत ही मना कर चुकी मम्मी से, मम्मी ये वाला चादर इस्तेमाल मत मतलब यूज मत किया करो, ये वाला चादर हटा दो। फिर भी मम्मी इसी वाले चादर को ज़्यादा यूज करती है। फिर चलो दुगू ने बोला मम्मी मेरे लिए मंगोड़े बना दो, मैं भी मंगोड़े बनाने वाली थी। मैंने उससे पूछा बेटा मंगोड़े खाओगे या पकौड़ी खाओगे, तो उसने बोला मंगोड़े। मैंने कहा हम भी बनाने मंगोड़ी वाले थे, आपने बोल दिया तो और अच्छी बात है, हमको डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो यहाँ मंगोड़े बना रही है, दोपहर का टाइम हो गया, 1 बज गया, ब्लॉग शूट करते करते 2 घंटे हो गए, और 2 घंटे में मैंने इतना सारा काम कर लिया बहुत ही फास्ट फास्ट। और यहाँ मैं दाल बट लेती हूँ, सिलबट्टा चलाना बहुत ही टफ है सच में। सिलबट्टा मुझे पहले बिल्कुल भी चलाना नहीं आता, पूरी कमर दर्द करने लगती है सच में। अगर सिलबट्टा चलाओगे तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, देसी एक्सरसाइज है ये सच में। ये सोचो पूरा कमर पूरा पेट ऐसे हिल जाता है सिलबट्टे चलाओ तो, सच में